Hyderabad International School CBSE Plus Exceed syllabus which is followed in 8 countries Modern plus Islamic education फाइव स्टेप एक्टिविटी बेस्ड एंड प्ले वे मेथड लॉन्चिंग असला आप सबका खैर मकदम है ए एटीन तेलंगाना न्यूज पर आज वनीस अगस्त थर्सडे का दिन है आए नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में एक नया खौफ यूएस में तमाम पेरेंट्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को सतर्क रहने कहा क्योंकि अचानक पोलियो और एक्यूट फ्लासिड माइलाइटिस और दीगर बीमारियां सामने आ रही हैं और आने वाले चार महीनों के अंदर परेशानी बन सकती है यूएस के लिए सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन सी ने ये तफसात ऐलान किए ट्यूजडे के दिन अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट पंचायत ने एक अर्जी पेश किए हैं उत्तर प्रदेश हुकूमत को जिसमें गुजारिश की गई कि अलीगढ़ नाम बदल कर हरीगढ़ रखा जाए और दूसरी अर्जी भी दी गई जिसमें बताया गया कि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल बदलकर चंद्रानगर रखा जाए उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से कई शहर रेलवे स्टेशन रोड का नाम बदला गया है जैसे अलाहाबाद बदल कर प्रयागराज रखा गया उत्तर प्रदेश में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है सिर्फ नामकरण होते जा रहा है पिछले 24 घंटों में इंडिया भर में छत्तीस नए कोविड 19 केसेस दर्ज किए के गए और 540 कोविड 19 मुतासरीन पेशेंट्स की मौत वाकई हुई और आज की कोविड 19 गिनती 3.4 परसेंट है यानी कल से ज़्यादा है फॉर्मर क्रिकेटर सबा करीम ने केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के दौरान कहा कि सिराज बेहतरीन कामयाबी हासिल किए लेकिन राहुल नॉक जबरदस्त किए थे जिसे राहुल को मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया लॉर्ड्स पर इंडिया ने पहली लीड हासिल किए और केएल राहुल ने अपने फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी स्कोर की और इस सेंचुरी से उन्हें मैन ऑफ द मैच का ख़िताब मिला अब कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सिराज के इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद जो उन्होंने अपने फ़ाइनल डे पर दिखाया उन्हें क्यों कोई खिताब से नवाजा नहीं गया बेहतरीन खेलने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से सवाल किया गया कि इंडिया क्या तालिबान के टच में है तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो काबुल के हालातों को समझ रहे हैं और जैसे तालिबान ने काबुल पर अपना कब्जा जमा लिया है और अब तालिबान वाले ही काबुल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो तालिबान से रिश्ते अच्छे रखेंगे फॉरेन मिनिस्टर से ये भी सवाल किया गया कि इंडिया और तालिबान के बीच कोई कम्युनिकेशन थे और साथ ही ये भी कहा गया कि क्या इंडिया अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे रिश्ते बनाए रखेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि अफगानिस्तान की आवाम के साथ कदीम रिश्ते बनाए रखेंगे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2021 के मौके पर आवाम ने शिरकत करते हुए कोरोना वायरस महामारी के दौरान कुछ लम्हे अपने कैमरे पर कैद किए जैसे शमसान रोड्स लॉकडाउन के हालात शमसान शॉपिंग मॉल सिनेमा थिएटर्स और दिगर मुकामात की अपने कैमरे पर क़ैद किए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2021 के मौके पर आइए डालते हैं इस पर एक नज़र उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक ऑर्डर जारी किए स्कूल दोबारा खोलने के ताल्लुक से स्टेट में कोरोना वायरस महामारी के हालातों को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल्स खोलने के ऑर्डर्स जारी किए गए ऑर्डर्स के मुताबिक सिक्स से एट्थ क्लास स्टूडेंट्स को फिजिकल क्लासेस अटेंड करना होगा अगस्त तेवीस से उत्तर प्रदेश में और फर्स्थ से फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स के स्कूल सेप्टेम्बर पहली से खुल जाएंगे उत्तर प्रदेश में कोयत के कमर्शियल फ्लाइट्स दोबारा इंडिया और इजिप्ट के लिए दिगर शहरों के लिए काम करेगी मिनिस्टेरियल कमेटी ने यह ऐलान किया और साथ ही कहा कि कोविड 19 मेशर्स का एहतियात करना लाजमी है कैबिनेट स्टेटमेंट ने मिनिस्टे को कहा